हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक लेटर बताने जा रहा हूँ। लेटर का जो सब्जेक्ट है वो है बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर इन योर स्कूल्स। बाल सांसद, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर द फैसिलिटी ऑफ अ गुड लाइब्रेरी। आप अपने स्कूल में बाल सांसद की तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर बनकर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक अच्छी पुस्तकालय के लिए आवेदन पत्र लिखे। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से आप अपने प्रिंसिपल सर को लेटर लिख सकते हैं, इस लेटर में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि सबसे ऊपर लेटर लिखने वाला का एड्रेस लिखा जाता है, तो मैं यहाँ लिखा हूँ साहिबगंज। आप अपने अनुसार यहाँ एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद फिर उसके नीचे लिखेंगे डेट कि आप किस तिथि को पत्र लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखा हूँ डेट 7/2/2021। आप अपने अनुसार यहाँ डेट और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल मिडिल स्कूल सरकंडा, इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी मध्य विद्यालय सरकंडा। तो फ्रेंड्स, इस लेटर में मैं मिडिल स्कूल सरकंडा के प्रिंसिपल सर को लेटर लिख रहा हूं, लेकिन आप यहां अपने अनुसार स्कूल का नेम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेटर का जो सब्जेक्ट है वो है एन एप्लीकेशन फॉर द फैसिलिटी ऑफ अ गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी पुस्तकालय के लिए आवेदन पत्र। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे सर, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, महाशय विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ अ गुड लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में एक अच्छी पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम हियर एंड देयर एज वी हैव नो इंटरेस्टिंग बुक टू रीड। ज़्यादातर बच्चे इधर उधर घूमकर अपना समय व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक अच्छी रोचक पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं है। ड्यूरिंग लंच टाइम वी गेट सम स्पेयर टाइम एंड दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इन रीडिंग बुक्स। लंच के दौरान हम लोगों के पास कुछ समय होता है और इस समय को हम लोग पुस्तक पढ़कर इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज, और यह हम विद्यार्थियों के नॉलेज इंक्रीज करने में भी सहायक हो सकता है। देयरफॉर आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट यू टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी एज सून एज पॉसिबल। अतः आपसे हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय में एक अच्छी पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए। थैंक यू, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका गैरकारी छात्र राहुल एन एजुकेशन मिनिस्टर बाल सांसद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।